हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षत रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप लोगों की बहुत सारी डिमांड पर काढ़ा की रेसिपी। ये काढ़ा हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, रोगों से जो लड़ने की शक्ति होती है उसे बढ़ाता है। और इसे बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, हमारे किचन में जो भी चीजें हैं उन्हीं से बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम काढ़े की रेसिपी शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए ये एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है मैंने, ये चार लौंग ले ली है, लौंग आपको इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, दो हरी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 10 से 12 तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो 6 से 7 दाने आप काली मिर्च के ले लीजिएगा। और अब काली मिर्च को छोड़कर बाकी सबको हम कूट कर तैयार कर लेते हैं। इन सभी को हमें कूट लेना है। 2 कप काढ़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूंगी 3 कप पानी और ये 3। तो ध्यान दीजिएगा, 2 कप काढ़ा बनाना है तो 3 कप मैंने पानी ले लिया है। और ये देखिए पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स आ गए हैं। अब जो हमने इंग्रेडिएंट्स कूट कर रखे हैं इन सबको हम डालेंगे। तो ये देखिए दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब मैंने कूट लिया है, अदरक कूट कर रख लिया है। तो सबसे पहले हम तुलसी के पत्ते को तोड़कर डालेंगे। आप चाहे तो इसे भी दालचीनी के साथ ही कूट सकते हैं, मैंने फिलहाल तोड़ के डाला है। और अब हम अदरक डाल देंगे और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे हैं, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल दूंगी और एक बार चम्मच से अच्छे से मिला दूंगी ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और अब देखिए इसमें उबाल आने जा रहा है, उबाल धीरे धीरे आ रहा है। तो अब हम गैस का फ्लेम जो है एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक उबालेंगे। आप चाहे तो मेरी तरह ही जो दालचीनी है उसको एक साथ पीस कर पाउडर बनाकर एक डब्बे में भरकर रख सकते हैं, और जब भी आपका काढ़ा पीने का मन हो तो 1 चम्मच दालचीनी डालकर काढ़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रोज अगर काढ़ा पीना है तो आप मेरी तरह कर सकते हैं। तो ये देखिए काढ़े को उबलते हुए लगभग 10 मिनट हो चुकी हैं और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और काढ़े को छान लेंगे। तो ये स्ट्रेनर से हम काढ़े को छान लेते हैं। तो ये देखिए काढ़े को हमने छान कर ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शहद। 1 कप काढ़े में 1 चम्मच शहद डालेंगे, ये मीठा करने का बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आपको चीनी नहीं डालनी है बल्कि आप डालेंगे ये गुड़, थोड़ा सा गुड़ आप डाल सकते हैं। और साथ में ही डालेंगे आप ये नींबू, 1 नींबू का रस आप डाल देंगे। तो सबसे पहले हम नींबू का रस इसमें डाल देंगे और अब 1 चम्मच शहद इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो काढ़ा हमारा एकदम रेडी हो चुका है। इस काढ़े से हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है और कोरोना जैसी बीमारी से भी लड़ने की शक्ति देती है। अगर नॉर्मली आपको कफ या कोल्ड हो रखा है तब भी आप इसे पी सकते हैं। इस टाइम में तो हमें रेगुलर ही काढ़ा पीना चाहिए। तो आप भी जल्दी से मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके बड़ी आसानी से ये काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।